वैसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 5 लोग मारे गए, लेकिन पायलट जीवित रहता है। पायलट को छोड़कर बोर्ड पर सभी को मारने वाले न्यूयॉर्क के हेलीकॉप्टर दुर्घटना शायद यात्री के टुकड़े के कारण हो सकती थी, पायलट ने जांचकर्ताओं को बताया। पायलट ने बताया कि यात्री की थैली में से एक ने अनजाने में आपातकालीन ईंधन शट ऑफ बटन मारा, जिससे दुर्घटना हो गई, जिससे 5 यात्रियों की मौत हो गई, एक वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी ने कहा। एक पुलिस सूत्र ने पायलट की पहचान 33 वर्षीय रिचर्ड विंस के रूप में की थी। यात्रियों को एक लिबर्टी हेलीकॉप्टर पर रखा गया था, जो एक निजी फोटोशूट के लिए चार्टर्ड था, अधिकारियों ने कहा। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक सभी पीड़ित 36 सेकंड 34 साल के थे। सोमवार दोपहर को हेलीकॉप्टर को पानी से हटा दिया गया था और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है, एनटीएसबी सदस्य बेलादिनजार ने कहा। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों को निर्धारित करने के लिए जांचकर्ता हेलीकॉप्टर, इसकी तैरने के उपकरण, मौसम और अन्य कारकों का निरीक्षण करेंगे। पिछले 11 वर्षों में दुर्घटना लिबर्टी हेलीकॉप्टरों के लिए तीसरा थी। न्यूयॉर्क के यूएस सेंचक शूमर ने एफएए को फोन किया कि वह लिबर्टी हेलीकॉप्टरों के एफएए ऑपरेटिंग सर्टिफिकेट को निलंबित करे, जब तक कि कंपनी का सुरक्षा रिकॉर्ड न हो और यह दुर्घटना पूरी तरह से मूल्यांकन हो। 3 दुर्घटनाओं बहुत अधिक है, शूमर कहा। बहुत सारे आरोप हैं, कोई भी नहीं जानता कि क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता कि जब तक हम इसके नीचे नहीं जाते, लिबर्टी उड़ जाना चाहिए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हेलीकॉप्टर एक यूरोकॉप्टर AS-350 7 PM में रूजवेल्ट द्वीप के पास पूर्वी नदी में चला गया। लागर्डिया हवाई अड्डे पर 1 मई की कॉल की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में पायलट ने कहा कि हेलीकॉप्टर इंजन की विफलता का अनुभव कर रहा था। जब आपातकालीन श्रमिकों ने जवाब दिया तो हेलीकॉप्टर उल्टा था और जलमग्न था, अधिकारियों ने कहा। पुलिस ने 23वीं स्ट्रीट के पास के पानी से बाहर हेलीकॉप्टर को खींचने के लिए एक ट्रेन के साथ एक नाव के लिए कहा। न्यूयॉर्क आयुक्त डेनियल निग्रो के अग्निशामक विभाग ने कहा, बचाव का सबसे मुश्किल भागों में से एक यह था कि 5 लोगों का कसकर इस्तेमाल किया गया था, लोगों को कट लिया जाना था। पायलट खुद को मुक्त करने में सक्षम था और बचाया गया था, निग्रो ने कहा। रिचर्ड विंस रविवार की दुर्घटना में पायलट डेनबरी कनेक्टिकट के एक लाइसेंस प्राप्त हेलीकॉप्टर पायलट है। AAA रिकॉर्ड दिखाती है, FAA के रिकॉर्ड के अनुसार सितंबर 2011 में उनका मौजूदा वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किया गया था। पायलट के भाई एंथनी वांस एक फोन साक्षात्कार में CNN को बताया कि उन्होंने अपनी नौकरी की और जिंदा पकड़ा। उन्होंने कहा, वह एक सच्चे दोस्त हैं, पायलट हैं, इसलिए उसे जाने दो। NYPD ने पीड़ितों को काला वेलेजोस ब्लैंकों 29 डेनियल थॉमसन 34 क्रिस्टियन हिल 29 ट्रेवर कैडिगन 26 और ब्रॉरन मैकडेनियल 26 डिप्टी कंसल जनरल एडुआर्डो अल्मेरे टेरेरेना के अनुसार अर्जेंटीना के एक पर्यटक विलियोस ब्लैंको एक छुट्टी पर था जब वह मारे गए थे, तो शहर का फोटो दौरा ले रहा था। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि उसका परिवार अपने शरीर को वापस अर्जेंटीना लाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी मेडिकल परीक्षक के साथ काम कर रहा है। अर्जेंटीना में कुनिका डेल प्लाटा विश्वविद्यालय ने कहा कि उन्होंने कला डिजाइन और संचार का अध्ययन किया। कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक कैडिगन कुछ हफ्ते पहले तक मीडिया संगठन बिजनेस इंसिएड में एक प्रशिक्षु थे। कंपनी ने कहा, वह एक स्मार्ट प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी युवा पत्रकार और निर्माता था जो अच्छी तरह से पसंद किया और एक बड़ा योगदान दिया। हमारा दिल अपने परिवार और दोस्तों के पास जाता है, कंपनी ने कहा।
कैटिंग डेलास में WFAA के उत्पादन प्रबंधक जेरी कडिगन का बेटा था और उन्होंने WFAA में पहले से इंटर्न किया था। WFAA के अध्यक्ष महाप्रबंधक ब्रेड रैमसे ने एक बयान में कहा, पूरे WFAA परिवार को ट्रेवर कैटिंग के अचानक और दुखद नुकसान से परेशान किया गया है। हम WFAA के कई दोस्तों और पूर्व कर्मचारियों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने आपके संवेदना और समर्थन देने के लिए बाहर पहुंचा है। हमारे विचार और प्रार्थनाएं ट्रेवर के सभी परिवारों और दोस्तों के साथ हैं और कल के दुखद लोगों के सभी परिवारों के साथ हैं। दुर्घटना डेलास के आधिकारिक ब्रायन मैकडेनील अग्नि बचाव का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना न्यूयॉर्क में 11 मार्च 2018 को हुआ। मैकडेनील डेल्स फायर रेस्क्यू के लिए एक अग्नि बचाव अधिकारी था जो मई 2016 में काम पर रखा गया था। विभाग ने एक बयान में कहा था, अपने छोटे कार्यालय के बावजूद दिलदू खा के साथ भारी है क्योंकि हम अपने नुकसान के साथ पकड़ में आने की कोशिश ही नहीं करते बल्कि हर तरह से उनके परिवार के लिए भी हो सकते हैं। लिबर्टी हेलीकॉप्टर ने खुद को न्यूयॉर्क शहर में सबसे बड़ा और सबसे अनुभवी हेलीकॉप्टर पर्यटन स्थलों का भ्रमण और चार्टर सेवा के रूप में बताया। NYC हेलीकॉप्टर कंपनी के 11 साल में 3 दुर्घटनाएं हुई, ये कैसे हुआ? NYC हेलीकॉप्टर कंपनी के 11 साल में 3 दुर्घटनाएं हुई, ये कैसे हुआ? कंपनी ने वेबसाइट के मुताबिक 10 अत्याधुनिक केब्स हेलीकॉप्टरों पूर्व अमेरिकी यूरोकॉप्टर का बेड़ा है। वेबसाइट का कहना है, हम व्यवसाय में हैं और 30 सेकंड अधिक वर्षों तक सुरक्षित रूप से उड़ रहे हैं। यह 2007 के बाद से कंपनी की तीसरी दुर्घटना है। अगस्त 2009 में हेलीकॉप्टर के बाद 9 लोगों की मौत हो गई थी और हडसन नदी पर एक छोटे निजी विमान एक दूसरे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। FAA ने कहा कि हेलीकॉप्टर और छोटे विमान विभिन्न रेडियो आवृत्तियों पर संप्रेषण कर रहे थे और एक दूसरे की स्थिति के बारे में पता नहीं थे। इससे पहले 2 साल पहले जुलाई 2007 में 8 व्यक्तियों को ले जाने वाले एक लिबर्टी के दर्शनीय स्थलों का हेलीकॉप्टर रोटर ब्लेड जुदाई के बीच में मिड फ्लो का सामना करना पड़ा और हडसन नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सभी यात्री इन्फ्लेटेबल जीवन वास पहन रहे थे और पायलट ने कहा कि उन्होंने पॉप आउट फ्लोट तैनात किया। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने कहा, न तो पायलट और न ही 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। कुल मिलाकर FAA ने 1995 से लिबर्टी हेलीकॉप्टरों से जुड़े 16 दुर्घटनाओं या घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है। 2009 में दुर्घटना मृत्यु के साथ ही पिछले एक घटना थी। FAA प्रवक्ता जिम पीटर्स के अनुसार, कोई दुर्घटना या घटना इतिहास या यूरोकॉप्टर AS-350 हेलीकॉप्टर N-350 LH या पायलट रिचर्ड विंस के लिए बंद प्रवर्तन कार्रवाई नहीं है। NTSB 3 चीजों पर नजर रखेगा, पायलट के प्रशिक्षण अनुभव और दुर्घटना के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया। हेलीकॉप्टर पर अगर कुछ भी हो तो दुर्घटना हुई। मिसौरी स्थित एक विमानन अटॉर्नी गैरी सी रॉब ने कहा, और क्या पर्यावरणीय कारकों ने दुर्घटना में योगदान दिया हो सकता है? रॉब ने कहा कि NTSB एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी करेगी और एक संभावित कारण दुर्घटना रिपोर्ट क्रैश के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बताती है। उन्होंने कहा कि पानी के आसपास के किसी भी हेलीकॉप्टर के संचालन में तैरना चाहिए ताकि वह पानी पर रह सके और सीधा ठहर सके। दुर्घटना के वीडियो के आधार पर रोब ने अनुमान लगाया कि हेलीकॉप्टर पर तैरने वाले एक को सक्रिय नहीं किया गया था जिसके कारण पानी में इसे बगल में बदलना पड़ सकता था। लिबर्टी हेलीकॉप्टर ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि यह इस दुखद दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और FAA और NTSB जांच से पूरी
तरह से सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित है। यह कहा गया है कि यह संघीय एजेंसियों को सभी प्रेस पूछताछ का जिक्र कर रहा है।